नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल न्यूज 24। छपरा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में हुए सड़क दुर्घटनाओं में आज एक शिक्षिका समेत दो लोगों की मौत हो गई। पहली घटना मशरक थाना अंतर्गत बंगा डी में हुई, जहाँ बिजली मिस्त्री कुंदन कुमार की मौत के बाद परिजनों ने उसके साथियों द्वारा हत्या किए जाने का आरोप लगाकर सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद ग्रामीण प्रदर्शन करने लगे। वहीं पुलिस ने फिलहाल कुंदन के तीन अन्य साथी बिजली मिस्त्री को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी घटना छपरा शहर के बाजार समिति के समीप हुई, जहां स्कूल में पढ़ाने जा रही शिक्षिका डॉक्टर आभा कुमारी को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उनकी मौत मौके पर हो गई। वहीं चालक ट्रक छोड़कर भाग निकलने में सफल रहा, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को छपरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जहां पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। हम चिन्हत लेंगे माटो से हम चिन्हत कर लो। कोई भी मसल नगड़ा खाना मसला, ये 8 बजे शाम को गया काम करने के लिए और सुबह एम्बुलेंस से क्लास आया। जो एम्बुलेंस से लड़का आया वो बोला कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, कि हम क्लास लेकर आए हैं। उसके बाद यहाँ पे रोड जाम हुआ, बड़ा बाबू आए, वो आश्वासन दिए कि इसका सही से जांच होगा, तो मतलब यहाँ से क्लास गया। फिर मतलब अमित भोर में कुंदन कुमार को एम्बुलेंस से लाश लाया गया है, बांगरा डीह पर का लड़का है, और हमको वहाँ पहुँचकर पता चला हमको कि लड़का को हत्या किया गया है। उसका घर के लोग बोल रहा था, और रोड जाम हुआ दो घंटा तक। हम बड़ा बाबू बहुत मेहनत से लोगों का संजाम बुझा कर रास्ता अथी किए। पुलिस लाश लाई है और उसका इंक्वायरी हो रहा है। 3 आदमी उसमें पकड़ाए किया है, उनसे पूछताछ हो रहा है।